जरा इधर तो आइए जी। आईने में अपनी सूरत देखी है? उल्लू कहीं का। अबे तुझे इसी दिन के लिए बीए का इम्तिहान दिलवाया है कि तू खेतों में हल जोते? नौकर चाकर सब मर गए हैं क्या? आप ही बताइए ना अम्मी, जब तक मेरे इम्तिहान का नतीजा नहीं निकल जाता मैं घर पर दिन भर बैठ के क्या करूंगा? और फिर खेती बाड़ी करने से कोई इज्जत तो नहीं चली जाती? ठीक ही तो कहता है जमील। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक कहता है। गलती तो मुझसे हो गई कि इतना रुपया पैसा बर्बाद करके उसे लिखाया पढ़ाया। अबे गा ही रहना था तो मुझे पहले ही क्यों नहीं बता दिया? ना लाए कहीं का मैं तमीज। तुम्हें नहीं, तुम्हें नहीं। जमील क्या है माँ? अगर बुरा ना माने तो एक बात कहूँ बेटा। हाँ बोलो। मैं कह रही थी। हाँ बोलो ना। मुझ में इतनी ताब नहीं रही कि तेरी और तेरे बाबा की देखभाल करूं। अगर तेरी बहू आ जाती तो तेरा हाथ बटाती यही ना। अरे माँ तू नहीं जानती आजकल की बहू बजाय सास ससुर की खिदमत करने के उल्टा अपनी खिदमत करवाती है। अरे वो तो घर आएगी और टांग पे टांग घरे बैठी रहेगी और तुम लोगों को उसके नाज उठाने पड़ेंगे। माँ ऐसी गलती कभी मत करना। अरे पागल सब लड़कियां एक जैसी नहीं होती और इसीलिए तो मैंने ठोक बजा कर अपने खानदान में लड़की ढूंढ ली है। खानदान में? हाँ हाँ तेरी मामूजाद बहन हसीना जी। हसीना हसीना जब देखो होठों पर लाली और बालों में खुशबू लगाती रहती है। खुदा बचाए तेरी इस सजधज से। अरे कमबख्त तुझे तो पराया घर जाना है। वहाँ लोग क्या सिर्फ तेरी सूरत देखेंगे? निकम्मी कहीं की बाप ने मुंह लगा लगा कर सर चढ़ा रखा है। अरे क्या सर चढ़ा रखा है? बकबक करना तो तुम्हारी आदत बन चुकी है, तभी तो अपना मुंह बंद रखा करो। मेरी बिटिया की पढ़े लिखे लड़के से शादी होने वाली है। हाँ एक मामूली हकीम की जाहिल बेटी से पढ़ा लिखा लड़का बियाह करेगा? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? सच कहता हूँ बेगम, मैं सच कहता हूँ। जमील की माँ ने पैगाम भेजा है, हसीना उसे बेहद पसंद है। हसीना 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 अबे भूल जाओ उसे वरना तू पागल हो जाएगा। कैसे भूल जाऊं? बचपन से हम दोनों एक साथ खेल कूद के बड़े हुए हैं। वो दिन जब हम आम तोड़ा करते थे, वो दिन जब हम दोनों झूला झूला करते थे, वो दिन जब हम दोनों मकतब में पढ़ने के बजाय एक दूसरे को देखा करते थे, वो दिन। वाह बेटा वाह, तू तो मजदूर का भी चचा निकला। यार मजाक छोड़, मुझ तो कुछ तो तरस खा। ठीक है वक्त आने पर हम लोग सोचेंगे, अब चल उठ जमील भैया के पास जाना है। जमील भैया के पास क्यों? अबे भूल गया, कल बस्ती के सारे लोग खेतों में काम करने जा रहे हैं। ओ मैं तो भूल ही गया था। चलो अब्बा जान सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। यहाँ बैठा बैठा क्या कर रहा? कुछ नहीं अब्बा जान, इन लोग के पास बैठा दवाई बेच रहा था। ये देखो ना, दो गोली नक्स भूमि का 40 पैसे में बेच दिया। 40 पैसे? जमील भैया तुम यहाँ क्या कर रहे? अंदर आ जाओ। ना बाबा नहीं ठीक है, चाचा देख लेगा तो मार मार के हुलिया बिगाड़ देगा। भैया
कल का सारा इंतजाम हो गया है। बच्चे बूढ़े और लड़के लड़कियाँ खेतों में आ रहे हैं। शाबाश, तुम्हारे होना जरूर आऊंगा। जमील मियाँ, चाचा। जी अब्बास। बरखुरदार, जरा इधर तो आना। सुना है कल तुम और तुम्हारे दोस्त गांव के सारे बच्चे बूढ़े लड़के लड़कियों से खेतों में काम करवा रहे हो? जी। अरे तू तो खुद पागल है। जी। अब क्या सारे गांव को पागल बनाएगा? जी 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 के बच्चे। Thank you.
सुनाई तो देता है मेम साहब, शायद तुम्हें कुछ कम दिखाई देता है। ये सब लोग रास्ते से नहीं जाएंगे तो क्या हवा में उड़कर जाएंगे? इडियट, चलने की तमीज नहीं, पहले रास्ता चलना सीखो। सुना भाइयों, इस मेम साहब से अब हमें रास्ता चलना सीखना पड़ेगा। मेम साहब चुपचाप अपनी हवा गाड़ी में बैठो और पम पम करती हुई चली जाओ। भैया तुमने इतनी सारी गाली हजम कर ली, तुम्हारी जगह अगर मैं होता ना तो आटे दाल का भाव बता देता। अरे वो तो मैं भी बता सकता था, बाकी लड़की थी इसलिए माफ कर दिया। मगर ये थी कौन, पहचानते नहीं भैया? अपने जमींदार है ना, उनकी लड़की है, छोटी सी थी तो शहर भेज दिया था अंग्रेजी पढ़ने के लिए। तभी तो इसे गांव के सारे लोग गमार, जाहिल, जंगली और अनाड़ी नजर आते। ठीक है, ये भी क्या याद करेगी कि किस अनाड़ी से पाला पड़ा है। अरे सीमा बेटी। सलाम अलैकुम अंकल। वालेकुम सलाम। अरे बेटी आने की इतला तो दी होती। यूं ही अंकल, सोचा कि चुपचाप जाकर आपको सरप्राइज कर दूं। ओह अच्छा अच्छा, तुम्हें रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं अंकल। तुम्हारे इम्तिहान का क्या हुआ? बस किसी तरह पास कर जाऊंगी। ये तो मुझे मालूम कि तुम जरूर पास हो जाओगी। अब मुंह हाथ धोकर आराम करो, फिर बातें होंगी। ओके अंकल। अरे हाँ बेटी, सुल्तान भी जल्दी ही लंदन से आने वाला है, फिर तुम दोनों का वक्त अच्छा गुजरेगा। तकलीफ कर रहे हो, मैं खुद ही सब ठीक कर लूंगी, तुम रहने दो। नहीं बेटिया, ये कैसे हो सकता है, सारी उम्र तुम लोगों की खिदमत करता आया हूँ और अब ना करूं? तुम्हें याद नहीं है बिटिया, मरने से पहले बड़े सरकार कह गए थे कि रमजान सीमा बेटी की देखभाल का सारा जिम्मा तुम पर छोड़े जा रहा हूं। चलो बिटिया कपड़े बदल डालो, मैं अभी चाय लेकर आता हूं। नहीं बाबा, मैं चाय नहीं पीऊंगी। अरे अरे अरे, कहां भागी जा रही हो? बस मैं दो मिनट में आई हूं। अभी तक इसका बचपना नहीं गया। अरे बीबी जी तुम कब आई हो? फिर वही बीबी जी? अरे मेरा नाम सीमा है, सीमा तेरे बचपन की सहेली। अगर तुमने मुझे फिर बीबी जी कहा तो मैं तो शहर की बात नहीं करूंगी। खुशबू आ रही है, क्या पकाया हूँ? कुछ नहीं, दाल भात मछली, दाल भात मछली, फिर तो मैं यही खाऊंगी। बैठ। लेकिन 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 कुछ नहीं, जल्दी निकल, बड़ी भूख लगी है। अब क्या होगा बड़े सरकार, माशाल्लाह सीमा बिटिया शहर से पढ़ाई खत्म करके वापस आ गई हैं। मैं भी यही सोच रहा हूं। फिर कोई सूरत निकालिए बड़े सरकार, कहीं आई हुई दौलत हाथ से निकल गई तो सदा पछताना पड़ेगा। जानता हूं नायब, मगर ताश के सारे पत्ते मेरी ही मर्जी से खुलेंगे। सुल्तान जल्दी ही आने वाला है और फिर घर की लक्ष्मी घर ही में रहेगी। मगर बड़े सरकार, बुढ़े रमजान के रहते हुए कहीं ये ताश के सारे पत्ते हवा में उड़ गए तो? तो मैं उन हवाओं का रुख बदल दूंगा। अरे 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 अरे, मेम साहब।
साहब, ये सरकारी सड़क नहीं, खेत है खेत। यहाँ अपनी गाड़ी चलाओगी तो फसल खराब हो जाएगी। फसल खराब हो जाएगी तो पैसे ले लो ना। ये तुम्हारा शहर नहीं है जो हर चीज पैसे से खरीद लो, ये गांव है गांव, समझी मेम साहब। ले जाओ अपने डब्बे को यहाँ से। इडियट। कौन है? मैं हूँ हसीना, अंदर आ सकती हूँ? हसीना आओ। जमील, मैं तुम्हारे लिए गरम गरम पूरी लाई हूँ, खा के देखो कितनी मजेदार है। मर गया। क्या हुआ? आए 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 आए, ये तुम्हें क्या हो गया? देखो आए आए इधर भी आए। मैं भी दवा लेकर आती हूँ। आए 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 आए। बेटा जमील, जल्दी से भाग चल, वरना मुसीबत फिर आ जाएगी। तू फिक्र ना कर, ऐसी दवा दूंगा कि जमील की बीमारी कौन सो दूर भाग जाएगी। ये ले, बुखार, नजला, खांसी, खून साफ की, जा जल्दी से जा। अरे मुंह क्या देखती है, जाना रे। तेरा जमील भी क्या याद करेगा कि किस हकीम ने उसका इलाज किया था। जमील जमील, देखो मैं तुम्हारे लिए दवा लेके आई हूँ। कहाँ हो तुम? अंधी हो गई है क्या? बढ़िया ही गाड़ी वाली, गाड़ी में क्या बैठे इंसान को इंसान नहीं समझती। अरे ये तुम्हारी जागीर नहीं है, सरकारी बात है सरकारी। अल्लाह तेरी गाड़ी कहीं ना कहीं खराब कर। मेरे साथ की बच्ची देखा मेम साहब, इतना गुरूर तो अल्लाह मियां को भी पसंद नहीं। गरीबों का मजाक उड़ाओगी तो यही हाल होगा, चलती गाड़ी भी बंद हो जाएगी। और चलाओ तेज गाड़ी। Shut up, idiot. अरे वाह मेम साहब वाह, गुस्से में तो तुम बड़ी अंग्रेजी बोलती हो। कौन जाहिल, चल जाओ यहाँ से। चला जाऊंगा तो अकेली रह जाओगी मेम साहब, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें कोई उठाकर ले जाए। इस गाँव में बड़े बड़े डाकू बसते हैं। मैं उनका खून पी जाऊंगी। खून पी जाओगी तो जेल जाओगी। नॉनसेंस। अरे मेम साहब, अब अंग्रेजी बोलने से तुम्हारी गाड़ी नहीं चलेगी। आओ मैं तुम्हें छोड़ाऊं। मैं खुद ही चली जाऊंगी। अरे अरे ऐसा गजब ना करना मेम साहब, कहीं धूप में तुम्हारा गोरा गोरा रंग ना जल जाए, ए फूल सा नाजुक बदन ना मुरझा जाए। ओ मेम साहब, छतरी हाजिर है, इसके नीचे आ जाओ, ठंडी ठंडी पहुंच जाओगी। अरे अभी सोच लो। इडियट। फूल सा नाजुक बदन कहीं मुरझाए ना, है फूल सा नाजुक बदन, धूप में गोरी तेरा रंग जल जाए ना रे, हाय फूल सा नाजुक बदन। डाल ले मुखड़े पे तू साया अचिरे का,
फैले ना ये दिल कजरे का। डाल ले मुखड़े पे तू साया अचरे का, गाल पर फैले ना ये दिल कजरे का। होठों की लाली तेजी, होठों की लाली तेजी, भूल के धुंध लाई ना है फूल सा नाजुक बदन। धूप में गोरी तेरा रंग जल जाए ना रे, हाय फूल सा नाजुक बदन। सांवली कह के तुझे छेड़े जो सांवरिया, ताने ये सुन सुन के तब होना ना बावरिया। सांवली कह के तुझे छेड़े जो सांवरिया, ताने ये सुन सुन के तब होना ना बावरिया। मान तू आज किए कल पछताए ना है फूल सा नाजुक बदन। धूप में गोरी तेरा रंग जल जाए ना रे, हाय फूल सा नाजुक बदन। मालूम होता है कि मेम साहब धूप में कहीं से जल भूनकर आ रही है। एक गिलास ठंडा पानी हाजिर करूं। मजाक छोड़ इडियट, जंगली कौर। अरे मुझे क्यों गाली दे रही है? उफ़ो, तुझे नहीं बल्कि उस जाहिल देहाती को जो कह रहा था मेम साहब मेरी छतरी के नीचे आ जाइए ना, वरना आपका गोरा गोरा रंग जल जाएगा। शैतान, अगर शहर होता तो मैं इस बदतमीज को मजाक चखा देती, पुलिस का हवाला कर देती। मेम साहब, कैसे अनाड़ी बन के दिखा रहा हूँ, शायद तुम्हें मेरा गाना भी पसंद आया होगा। हाँ, मुझे तो उस रोज का इंतजार है जिस रोज तुम शम से गर्दन झुका कर गाओगी। अनाड़ी मैं नहीं, तुम हो। जमील, जमील तुम कहाँ चले गए थे? तुम देखो मैं तुम्हारे लिए दवा लाई हूँ। दवा? हाँ, ये लो मरोड़ की दवा, बुखार की दवा, खून साफ करने की दवा, ये जल्दी ही सिखा दो। अब खाने की कोई जरूरत नहीं, इतनी सारी दवाएं देखकर तो मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। अब तुम जाओ। मैं जाऊँ? जरूर जाओ, जरूर जाओ, इन दवाओं का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा तो जाती हूँ। जल्दी से जाओ। जा रही हूँ बेटी। जी मम्मा नहीं जान। फिर आना। कितनी सीधी है। जी देख, तेरे लिए इतनी सारी दवा ले आई। क्यों ना, आखिर तुम्हारे हकीम भाई की बेटी जो ठहरी। ला 50 पैसा, सुबह शाम 2 वक्त खाना। कहाँ सवेरे सवेरे भागा जा रहा है? कहीं नहीं बाबू, मैं समझा समझा, उस हकीम मखनचू के पास जा रहा जो तेरे बाप का दुश्मन है, जो कहता है कि मैं दवा नहीं पानी बेचता हूँ। अरे उस मर्दूत को क्या मालूम कि एक कतरा पानी एटम बम का काम करता है। उसकी शेर भर दवा खा लो कुछ फायदा नहीं होता। कहाँ होम्योपैथ कहाँ वैद्य, तुम तो खामा खा बिगड़ते हो बाबा। अरे हकीम चाचा तो तुम्हारी बड़ी तारीफ करते हैं। तारीफ करते हैं?
फिर कल्लू जो कहता है, साहेबानी ने जो बताया है, क्या वो सब झूठ है? बिल्कुल बाबा बिल्कुल, लोग तुम दोनों को आपस में लड़ाना चाहते हैं। लड़ाना चाहते हैं? हो सकता, मगर ये कभी नहीं हो सकता। तू झूठ कहता है, तू झूठ कहता है। हसीना कहाँ जा रही है? मैं जहाँ भी जाऊँ तू पूछने वाला कौन है रे? ओफो, तू तो नाक पे मक्खी भी नहीं बैठने देती। देख मैं तेरे लिए क्या क्या लाया हूँ। क्या लाया होगा? आम, अमरूद, इमली। तू कैसे समझ गई? क्यों ना समझू, तू तो हमेशा यही लाता है, बुद्धू कहीं का। तू हर साल यही कहता है, मगर इस बार मैं चुप नहीं रहूंगा। तुझे लगान देना ही पड़ेगा, नहीं तो अपनी जमीन छोड़ दे। कैसे छोड़ दूं सरकार, जमीन तो किसान की माँ बाप होती है। तो फिर काम क्यों नहीं करता? करता तो हूँ, पर न जाने फसल क्यों नहीं होती है। कभी सैलाब आता है और कभी तूफान। तूफान आया सैलाब, मुझे लगान चाहिए। अगर दे नहीं सकता तो तुझे अपनी जमीन छोड़ देनी पड़ेगी। ऐसा गजब न करो मेरे सरकार, मेरे बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे। मुझ पर कुछ तो तरस खाओ मालिक, मेरा लगान माफ कर दो। जैसे जान गरीब आदमी है, माफ कर दीजिए इसे। सीमा, तुम इन मामलों में दखल न दो। हम अच्छी तरह जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। और फिर बेटी, अगर हम इन पर इसी तरह रहम करते रहे तो जमींदारी खत्म हो जाने के बाद जो कुछ बचा कुचा है वो भी हाथ से जाता रहेगा। मगर चचे जान, ये सरासर जुल्म है और ये हमारा उसूल है। तो फिर ये गलत है, मैं इसके कायल नहीं। नायब सरकार, जैसे भी हो इससे लगान वसूल किया जाए। ऐसा गजब ना करो मेरे मालिक, मुझे माफ कर दो, मेरे लगान माफ कर दो। अरे सांप आप नहीं मेम साहब, आंखें खोल कर देखो, मैं हूं मैं। ओ मेम साहब, तुम सांप? आज तुमने मेरी जान बचा ली, मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं? अरे काय को मजाक करती हूँ मेम साहब, हम गंवार अनाड़ी सदा अमीरों की इसी तरह काम आए। देखो ना, जब तुम्हारी गाड़ी बंद हो गई थी तो हम पहुंच गए, अब सांप निकल आया तो हम आ गए। अरे मेम साहब, हम तो तुम्हारे खिदमतकार हैं, जहाँ याद करोगी वहीं पाओगे। आदमी बड़े दिलचस्प मालूम होते हो, थोड़ी तालीम होती तो अच्छे अच्छों की नाक काट देते। वो तो मैं अब भी काट रहा हूँ मेम साहब। मेरा कहा मानो और लिख पढ़ लो। इस उम्र में लोग हंसेंगे मेम साहब। अरे कोई नहीं हंसेगा, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी। सच मेम साहब? मगर कहाँ? तुम्हारे घर पर। मेरे घर पर नहीं मेम साहब, तुम्हारे घर पर। वहां ठीक नहीं होगा। हाँ, उस पेड़ के नीचे कैसा रहेगा, क्या ख्याल है तुम्हारा? क्यों मेम साहब, ठीक है ना? ठीक है, कल से उस पेड़ के नीचे तुम्हारा मकतब। अच्छा, सुबह 10 बजे आ जाना, याद रहेगा? अरे कैसे नहीं याद रहेगा उस्तानी मेम साहब, मैं तो आज रात ही से वहां बैठ जाऊंगा। अच्छा, तो फिर मैं चली। अच्छा, तुम भी क्या याद करोगी मेम साहब, ऐसा शागिर्द तुमको भी बार बार नहीं मिलेगा। अरे बांके, अबे बांके। जमील भैया, सांप मर गया, अगर नहीं मरा हो तो मैं मार दूं, अगर नहीं मरा हो तो मैं मार दूं। चल कर नीचे, सांप का नाम सुनकर दरख्त पे चढ़ गया, मैं मार दूं। चल, सांप का बच्चा। हाँ, मुझे सब मालूम है, तुम
लोगों को ये बताते फिरते हो कि मेरी दवा कोई दवा है बल्कि पानी है, मगर मियाँ तुम कैसे हकीम हो वो मैं खूब जानता हूँ। तुम क्या जानोगे, तुम क्या जानोगे, मेरी दवा कोई मुर्दा भी खा ले तो जिंदा हो जाए, और तुम्हारा पानी कोई जिंदा भी पी ले तो मुर्दा हो जाए। हाँ हाँ हाँ, इसीलिए तो गांव के सारे लोग तुम्हारी पुड़िया फेंक कर मेरी दवाएं पीते हैं। मुंह संभाल कर बात करो, मैं हूं मैं। तुम भी अपनी जबान को लगाम तुम यहाँ की, वरना वरना तुम घास छिलोगे। हाँ। देखो देखो देखो, कह देता हूँ अच्छा नहीं होगा, मेरा गुस्सा बहुत खराब है, अभी समझ जाओ। क्या समझो, क्या समझो, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं ही अपना गुस्सा थूक देता हूँ। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ जा रही हो बेटी? जी यूं ही जरा घूमने जा रही हूँ। जरा जल्दी वापस आ जाना। अच्छा। सुल्तान का तार आया है, वो थोड़ी देर में पहुंच जाएगा। देखा सरकार, सीमा बिटिया को छोटे सरकार के आने पर रत्ती भर भी खुशी नहीं हुई। अब तुम जाओ। अरे वाह मेम साहब वाह, पहले ही दिन हाथ दिखा दिया, शागिर्द हाजिर और उस्ताद गायब, फिर क्या खाक पड़ूंगा। नाराज मत हो, कल से मैं जल्द ही आ जाऊंगी। अच्छा आओ बैठो, फिर बैठ जाते हैं। हाँ। ये रही तुम्हारी किताब, अंग्रेजी, बंगला, उर्दू, क्या पढ़ोगे? क्या पढ़ूंगा? मैं तो इसको पढ़ूंगा, देखो ना इसमें कितना अच्छा अच्छा फोटो है, कुत्ता है, घोड़ा है, हाथी है, बिल्ली है। अंग्रेजी पढ़ोगी? मेम साहब ये अंग्रेजी है? हाँ। अरे फिर तो मैं बहुत जल्द पढ़ लूंगा। अच्छा आओ शुरू करें। एक मिनट मेम साहब। क्यों ये क्या? चीनी। चीनी? अरे मेम साहब बुजुर्गों का कहना है कि कोई काम शुरू करने से पहले मुंह मीठा कर लेना चाहिए। अच्छा अच्छा निकल लो। आलोगी आलोगी? बस और नहीं, आओ पढ़ाई शुरू करें। बोलो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बोलो ए, 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 नहीं ए, 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 ए। उफो, तुम तो बड़े मोटे दिमाग के मालूम होते हो। अरे किताब क्यों बंद कर दी? सोचता हूँ मेम साहब अगर पहले ही से कुछ लिख पढ़ लिया होता तो आज न जाने क्या कुछ लिखता। अच्छा क्या क्या लिखते? लिखे पढ़े होते अगर तो तुमको खत लिखते, लिखे पढ़े होते अगर तो तुमको खत लिखते, उस खत में तुम्हें हम क्या क्या लिखने के बहाने लिखते, कुछ ख्वाब अधूरे लिखते, कुछ गीत सुहाने लिखते, लिखे पढ़े होते अगर तो तुमको खत लिखते। जो बात अभी तक तुमसे घबरा कर बोल पाए, जो भेद तुम्हारे आगे शर्मा कर खोल पाए, अपना दीवानापन तो, अपना दीवानापन तो खुल कर दीवाने लिखते, लिखे पढ़े होते अगर
तो तुमको खत लिखते। लिखते के घनी बरखा में सूरज की किरण लगती हो, सावन की घटा में लिपटा चंदा का बदन लगती हो, यादों में तुम्हारी खोकर, यादों में तुम्हारी खोकर हम भी अफसाने लिखते। लिख पड़े होते अगर तो तुमको खत लिखते। जब शाम को ठंडी ठंडी दक्खन से हवा आती है, हर सांस में धीमी धीमी एक आग लगा जाती है, कटते हैं तुम्हारे गम में, कटते हैं तुम्हारे गम में, कैसे वो जमाने लिखते। लिखे पड़े होते अगर तो तुमको खत लिखते, उस खत में तुम्हें हम क्या क्या लिखने के बहाने लिखते, कुछ पाप अधूरे लिखते, कुछ गीत सुहाने लिखते। लिखे पड़े होते अगर तो तुमको खत लिखते। मैं जानता हूं विलायत छोड़ने के बाद ये देहात तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, मगर तुम्हें अपने मुस्तकबिल की खातिर यहाँ रहना ही पड़ेगा। अच्छा ये तो बताओ कि तुमने इम्तिहान क्यों नहीं दिया? इम्तिहान लास्ट ईयर बीमार पड़ गया था और इस साल स्टडी नहीं हो सकी, और फिर आपका तार जो आ गया था लेडी। हाँ लेडी, सीमा नजर नहीं आती, घूमने गई, आती ही होगी। ये लो, वो आ गई, बड़ी लंबी उम्र पाई है सीमा बिटिया ने। हेलो सीमा, हाउ आर यू? अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? फाइन, बड़ी स्मार्ट लग रही हो। शुक्रिया। मुझे तुमसे बहुत शिकायत है, 3 साल के अंदर मैंने तुम्हें कम से कम 3000 खत लिखे होंगे, मगर तुमने किसी एक का भी जवाब नहीं दिया। पढ़ाई से फुर्सत नहीं मिलती थी। अच्छा अब आप आराम कीजिए, बहुत थक गए होंगे। यस यस। अच्छा बेटे अब तुम भी आराम करो, फिर इत्मीनान से बातें होंगी। ओके डैडी। आज बड़ी खुश नजर आ रही है, बात क्या है? कुछ नहीं, कुछ तो जरूर है, मुझसे छुपा रही है। तुझसे क्यों छुपाऊंगी, फिर बताती क्यों नहीं है? कहीं छोटे सरकार ने रजिया डांटती क्यों है? मैं यार कभी नहीं बोलूंगी बाबा, नाराज हो गई, वक्त आने पर सब बता दूंगी। मुझे तुम्हारी मासूमियत पर तरस भी आता है और हंसी भी। तुम बाकी बात बोली बहुत हंसी, जी चाहता है तुम हमेशा इसी तरह मुझे पढ़ाती रहो, और मैं तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर पढ़ता रहूं। काश मैं तुम्हें अपना सकता। बेटी माशाल्लाह अब तुम काफी समझदार हो गई हो, मैं चाहता हूं कि अब तुम लोग जमींदारी का सारा काम संभाल लो। ये आप क्या कह रहे हैं तुसेजान? आपके रहते हुए मैं क्यों जमींदारी संभालने जाऊं? ठीक है बेटी, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि तुम भी थोड़ी बहुत जायदाद की ऊंच नीच से वाकिफ हो जाओ। डैडी का ख्याल ठीक है सीमा, क्यों ना हम दोनों जायदाद का सारा काम अपने हाथ में ले ले। जी नहीं, अल्लाह चाचा जान को सलामत रखे, मैं उनकी जिंदगी में जायदाद की देखभाल हरगिज़ नहीं करूंगी। आपका जी चाहे तो आप कीजिए। अच्छा बाबा, मैं खुद ही संभाल लूंगा। बाके आज इधर कैसे निकल आए?
इलाज के लिए तुम्हारे पास आया हूँ हकीम चाचा। इलाज के लिए मेरे पास? क्या बीमारी तुझे? रात में नींद नहीं आती, दिन में तारे नजर आते हैं, भूख नहीं लगती, सर चकराता रहता है। दवा तो दे दूंगा, एक ही पुड़िया में तेरी सारी बीमारी जड़ निकल कर भाग जाएगी। लेकिन तू अपने बाप से इलाज नहीं करवा के मेरे पास क्यों आया है? बाबा की दवा पर मुझे कोई एतमाद नहीं है हकीम चाचा, वो तो पानी होता है पानी। और आपकी पुड़िया, वाह 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 वाह, इधर खाओ उधर बीमारी भाग गई। शाबाश शाबाश बेटे शाबाश, ऐसा कम मिलेगा जो सच्चाई में भी अपने बाप के खिलाफ आवाज लगाए। वाह लमिया, क्या तेरी शान है, डॉक्टर का बेटा मुझसे इलाज करवाने आया है। आ चल मेरे साथ, चल मेरे साथ बेगम। अरे बेगम, गांव की जिंदगी बड़ी पुरसकून है, क्या हाल है तुम्हारा जी? और रोमांटिक भी, क्यों ठीक है ना? आपको किधर जाना है? बस घूमने निकला था। तो फिर आप घूमिए, खाने पर मुलाकात होगी। मेहनत से पढ़ते रहो तो आदमी बन जाओगे। लो शुरू करो, ए बी सी डी। अब पढ़ाई वढ़ाई नहीं होगी मेम साहब। क्यों क्यों? तुमसे बातें करने को जी चाहता है। बक बक मत करो, सीधी तरह अपने सबक याद करो। तुम डांटती हो तो मैं नहीं पढ़ूंगा मेम साहब, प्यार से पढ़ाओगी तो फिर पढ़ूंगा। उफ़ो, अच्छा बाबा अच्छा, अपना सबक तो याद करो। हाँ ऐसे बोलो ना। लो शुरू करो, ए बी सी डी। वाह 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 वाह, सीमा बेगम ने तो यहाँ स्कूल खोल रखा है, अब शायद ही गांव में कोई गवार या अनपढ़ आदमी मिलेगा। बड़ी सोशल वर्क कर रही हो, तुम कौन हो जी मेरी उस्तानी पर रोक जमाने वाले? Shut up, idiot. देखो साहब, अंग्रेजी में गाली वाली मत दो, हमने भी मेम साहब से थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट सीख लिया यहाँ। तुम चुप रहो जमीर। चलो सीमा, मैं इस गवार के मुंह लगना नहीं चाहता। आप जाइए, मैं आ जाऊंगी। ओके। ये तुम्हारा कौन है मेम साहब? बड़ा धोस जमा रहा था, बातों से तो ऐसा लगता है जैसे तुम्हारा कोई वो है। चुप रहो। डैडी सीमा को रोकिए वरना वो हाथ से निकल जाएगी। क्या बात है बेटे, उसने गंवार जाहिलों का स्कूल खोल रखा है, अब सोशल वर्क कर रही है, तो इसमें बुराई क्या है? जब वो बाप दादा की पगड़ी उछाल कर किसी के साथ चली जाएगी तब पछताइएगा, उस वक्त कहिएगा कि मैंने ठीक कहा था, मैंने आपको आगाह कर दिया है, अब आप जाने और आपका काम। तो ये बात है, लेकिन बेटे अभी हालात ऐसे नहीं हुए कि मैं सीमा पर सख्ती करूं और उस पर पाबंदी लगाऊं। वैसे तुम तसल्ली रखो, सब ठीक हो जाएगा। तुम भी कुछ अकल से काम लो और सीमा को नाराज मत करो। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। एक बात बोलूं भैया? बोलूं। हाँ हाँ बोल ना भैया। वो हसीना है ना, हसीना मुझे बहुत अच्छी लगती है, मगर तू उसे अच्छा नहीं लगता, क्यों? यही बात है ना? तुम्हें कैसे मालूम हो गया? बस हो गया, तो मेरी कुछ मदद करो ना। मदद? तू भी क्या याद करेगा, सुन उसे फैशन का बहुत शौक है, तू ऐसा कर बाजार जाकर उसके लिए सुर्खी पाउडर लाली वाली खरीद कर लिया और उसे दे दे, फिर देख वो दिन रात तेरे नाम की माला जपती रहेगी। अच्छा तो ये है वो खुफिया राज, मैं भी जाता हूँ भैया। जाओ अभी जाना। क्या है
देखना हसीना, मैं तेरे लिए फैशन का कितना सारा सामान लाया हूँ। फैशन का सामान? देखो, लिपस्टिक, पाउडर, सुनो, नाखून पॉलिश। ठीक है, मैं भी सिंगार करके जमील भैया के पास जाऊंगी। माल मेरा, जमील भैया के पास। तो मैं शादी नहीं करूंगा माँ, मुझे हसीना बिल्कुल पसंद नहीं। पर बेटा, मैं सोचती थी कि घर की लड़की है, तेरा बड़ा ख्याल रखेगी। मुझे मजबूर ना करो माँ, मेरी पसंद तो कोई ऐसी लड़की होगी जो मेरी हम ख्याल हो। क्या तूने कोई लड़की देखी है? अभी तो नहीं माँ, वैसे उम्मीद है कोई ना कोई मिली जाएगी, और फिर इतनी जल्दी भी क्या है। खैर, जैसे तेरी मर्जी। वैसे हकीम भैया को बहुत दुख होगा। इसमें दुख की क्या बात है माँ, गांव में अच्छे से अच्छा लड़का है, अपने बाके को देखो कितना सीधा है, और फिर वो हसीना को भी बहुत चाहता है। ठीक है, फिर मैं हकीम भैया से बात करूंगी। माँ तू कितनी अच्छी है। आई एम वेरी सॉरी सीमा, कल शायद तुम्हें मेरी बातों से दुख पहुंचा होगा। शुक्रिया। कहाँ जा रही हो? घूमने। मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? माफ कीजिएगा, मैं अकेली घूमने की आदी हूँ। सुनो, क्या नाम है तुम्हारा? रजिया। मेरी बेटी है सरकान। ओ, मगर इसे आज पहली बार क्यों देख रहा हूं? दिन भर काम काज करती रहती है, और सरकार आप तो हर वक्त बाहर रहते हैं, कैसे उसे देख पाएंगे? रजिया। मैं समझी थी तुम आज नहीं आओगे। क्यों मैम साहब? शायद कल की बात तुम्हें बुरी लगी हो। अरे नहीं मैम साहब, हम गरीबों का दिल बहुत बड़ा होता है, ऐसी छोटी छोटी बातें तो हम हंस के टाल दिया करते हैं। अच्छा, तो तुम दिल वाले भी हो। सबक याद किया? हाँ याद तो किया था मैम साहब, मगर तुम्हें देख कर सब भूल गया। तुम बहुत शरीर हो। जमील भैया, जमील भैया, जमील भैया। क्या बात है बाकी? जमील भैया तुम्हारा था? हाँ? बाबा का था। अरे तो तुम तुम्हारा याद है? मेम साहब मैंने भी पढ़वा करा है। तो अरे चुप। अरे ला, मैं पढ़ देती हूँ। नहीं मेम साहब, तुम्हें तकलीफ होगी, मैं पढ़वा लूंगा। चल बे, चल। बम मारा। क्या मारा भैया? अरे मैंने बीए फर्स्ट डिवीजन में पास किया। हाँ ड्राइवर चल। बाकी तू जाकर मेरे साथ से कह दे आज पढ़ाई वढ़ाई नहीं होगी, मगर सुन उसे मत बताना कि मैंने बीए फर्स्ट डिवीजन में पास किया। तुम अकेले? जमील कहाँ रह गया? वो तार लेके घर चला गया है, और कहला भेजा है कि आज वो नहीं पढ़ेगा। तार में कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं है? मुझे नहीं मालूम। तुम मुझे उसके घर ले चलो। मैं आपको उसके घर ले चलूं? मगर मगर अगर क्या, ले चलो। अच्छा, ओ मगर चलिए चलो। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, मैं जानती थी तू बड़े नंबरों से पास करेगा। ये सब कुछ तुम्हारी ही दुआओं की बरकत है माँ। अब तो तू बीए पास कर गया है, खेती बाड़ी छोड़ और शहर जाकर कोई अच्छी सी नौकरी कर ले। मैं नौकरी नहीं करूंगा माँ। नौकरी नहीं करेगा? अबे फिर इतनी लिखाई पढ़ाई क्यों की थी? इसलिए कि मैं नए तरीकों पर काश्त करूंगा, कम जमीन में ज्यादा गल्ला उगाऊंगा, ताकि मेरे मुल्क को दूसरे मुल्कों के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। वाह 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 वाह, बड़े लीडरों जैसी बातें करता है। नौकरी नौकरी नौकरी, जब देखो नौकरी। हमारे बाप दादा ने भी कभी नौकरी की थी? बेटे से दो चार अच्छी बातें करना तो आता ही नहीं है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं आता।
यही है जमील भैया का घर। आप अंदर जाइए ना। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। तस्लीम जीती रहो। किसे चाहिए जी? वो जमील घर में है। जमील? हाँ हाँ, आ मेरे साथ। जमील मिर्जा, तुम यहाँ आओ। अरे जमील, तेरा वो सारा सामान किधर गया? सामान? माँ वो मैं सफाई कर रहा था। अच्छा। माँ ये जमींदार साहब की लड़की है, मेम साहब ये मेरी माँ है। बैठो बेटी, मैं तुम्हारे लिए चाय लाती हूँ। माँ कुछ खाने वाने के लिए भी ले आना। अच्छा। मेम साहब बिल्ली आजकल बहुत तंग करती है। अच्छा। तुम मेरे घर का पता किसने बताया? होना है शागिद का पता मालूम करने में कितनी देर लगती है। हाँ। मैं तुम्हें पूछने आई हूँ, टेलीग्राम में कोई ऐसे वैसी बात तो नहीं? टेलीग्राम? वो मेम साहब, वो मेरे दादी की बहन की बेटी की बेटी की पोती की, वो कांचित आई थी। कांचित? अच्छा, तो इसमें तार भेजने की क्या जरूरत थी? अरे मेम साहब, ये शहरी लोग भी अजीब होते हैं, जरा जरा सी बात पे तार भेज देते हैं। क्यों? माँ चाय लेकर नहीं आई, मैं देखता हूँ। कोई जरूरत नहीं है। अरे वाह मेम साहब, तुम पहली बार मेरे घर में आई हो और मैं तुम्हें चाय भी नहीं पिलाऊं, ये भी कोई बात है? तुम बैठो, मैं अभी आता हूँ। माँ चाय तैयार हो गई? थोड़ी देर बाकी है। जमील, तू इस लड़की को कैसे जानता है? यूं ही माँ, छोटा सा गांव है ना, सभी एक दूसरे को जानते हैं। अच्छा। मैं तुम्हारा हाथ बटा दूं? नहीं, तू रहने दे। जल्दी करो ना माँ। अच्छा अच्छा, तो आप जाहिल नहीं, बीए पास हैं, मगर जनाब आप तो बिल्कुल अनाड़ी निकले। माफ कीजिएगा मेम साहब, जरा देर हो गई। अरे वो मेम साहब, अनाड़ी तुझे जान गई रे, अनाड़ी तुझे जान गई रे, अनाड़ी तुझे जान गई, मान गई, जान गई रे, अनाड़ी तुझे जान गई रे। हार की तूने जीत की बाजी, एक छोटी सी प्रीत की बाजी, खिलाड़ी तुझे मान गए रे, अनाड़ी तुझे जान गए रे। बदला ना क्या क्या तूने रूप
मैं बाद में खाऊंगी। सलाम बीबी जी। सरकार मुझे तो कुछ दाल में काला नजर आ रहा है। वो लड़का जिसे बीबी जी पढ़ाती है ना, कहीं उसने तो नहीं? हो सकता है। तुम जी जाकर पता करो कौन है, क्या करता है और कहाँ रहता है। बहुत अच्छा छोटे सरकार। जानती है रजिया, उसके बारे में मुझे सब कुछ मालूम हो गया। वो जाहिर नहीं बल्कि तालीम याफ्ता लड़का है। अच्छा, तब तो बड़ा शरीर मालूम होता है। तुझे इतने दिनों से बेवकूफ बनाता रहा और तू बनती रही। अब देखना मैं भी कैसा उल्लू बनाती हूँ। सब जानकर भी अनजान बनी रहूंगी। भैया मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे क्या मालूम था कि जमीन हसीना को पसंद नहीं करता। इसमें शर्मिंदा होने की कौन सी बात है बहन? शादी ब्याह तो लड़का लड़की की मर्जी से होना चाहिए। ये तो मुझे पहले ही मालूम था कि जमील जैसा तालीम याफ्ता लड़का हसीना जैसी अनपढ़ गंवार जाहिल लड़की को कैसे पसंद कर लेगा। ये तो मैंने तुम्हारी जिद पर हाँ कह दी थी। भैया मेरी नजर में एक लड़का है, कहो तो बातचीत चलाऊं। पर वो है कौन? जमील का दोस्त बाके। बाके? बाके है तो वो अच्छा लड़का आए, लेकिन उसके बाप से मेरी बिल्कुल नहीं बनेगी। वो मेरा दुश्मन है, दुश्मन। भैया छोड़ो इस झगड़े को, हर आदमी अपने अपने नसीब की रोटी खाता है। अच्छा तो मैं सोचूंगा। तुम्हें सोचना नहीं पड़ेगा, मैं खुद डॉक्टर भैया से बात कर लूंगी। जाओ मेम साहब, मैं तुमसे नहीं बोलता। क्यों, मेरा कसूर? ये भी कोई बात है? तुम बगैर बताए मेरे घर से चली आई और मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर फिरता रहा। दिल टूट गया है शायद। हंसी उड़ाती हूँ मेम साहब, जी भरकर हंसी उड़ा लो। अरे हम जाहिलों की तो सारी दुनिया हंसी उड़ाती है, अगर तुमने भी हंसी उड़ा ली तो क्या बुरा किया। अरे अरे आज तो तुम सचमुच पढ़े लिखो जैसे बातें कर रहे हो। क्या मतलब? यही के दो चार दिन की पढ़ाई में तुम अच्छे खासे अकलमंद हो गए हो। हाँ मेम साहब, ये तो तुम्हारी मेहरबानी है। वो तो ठीक है, मगर तुम भी काफी मेहनत कर रहे हो। मेहनत? हाँ मेम साहब, काफी मेहनत कर रहा हूँ। हाँ, काफी मेहनत कर रहे हो। खुदा के लिए घूंघट तो खोल। नहीं खोलूंगी। आखिर क्यों, कुछ तो बता। मुझे शर्म आती है। शर्म आती है? अरे अरे मैं तो वही बाके हूँ जिसके मुंह पर तू फटाफट बोलती है। अब नहीं बोलूंगी, इसलिए कि मेरी ठीक हो गई। तो जमील भैया से तेरी शादी ठीक हो गई है? तो जमील भैया ने मुझे धो 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 धोखा दिया है। तौबा तौबा, जमील भैया का नाम क्यों लेते हो? अच्छा तो किसकी मजाल है जो मेरे जीते जी तेरा हाथ था। मैं उसका हाथ तोड़ दूंगा, मैं उसका खून पी जाऊंगा, मैं उसकी बोटी बोटी करके चिलकमू को खिला दूंगा। बता बता वो कौन है, कहाँ रहता है, क्या नाम है उसका? वो तो तुम ही हो। मैं हूँ? समझ में नहीं आता, तुम भी सुलह सफाई की बात करती हो और बरखुरदार भी, आखिर माजरा क्या है? माजरा वाजरा कुछ नहीं भैया, भाभी के मरने के बाद तुम्हारा घर सूना पड़ा रहता है। बहू ले आओ तो कुछ घर की रौनक भी बढ़े, और फिर तुम बूढ़े भी हो गए हो, तुम्हारी देखभाल की भी जरूरत पड़ती रहती है। मेरा कहा मानो तो हकीम भाई की बेटी हसीना का रिश्ता बांके के लिए मांग लो, और फिर बांके भी तो उसे चाहता है। इसके कहने पर मैं अपनी नाक तो नहीं कटाऊंगा भाभी। ऐसी क्या बात है, तुम दोनों के झगड़े में इन दोनों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ठीक है भाभी, मैं सोचूंगा। इसमें सोचने की क्या बात है, नेक काम में देर नहीं होनी चाहिए। जैसे तुम्हारी मर्जी। वाह मेम साहब वाह, मैं वहां ढूंढ ढूंढ कर थक गया और तुम यहां सैर कर रही हो, क्या आज पढ़ाने का इरादा नहीं है? सोचती हूँ आज से मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगी।
आज से नहीं पढ़ोगे? क्यों मेम साहब, मुझसे कोई कसूर हो गया है क्या? मैं देख रही हूँ। क्या देख रही हो? तुम्हारा जी पढ़ने लिखने में जरा भी नहीं लगता। ताज्जुब है मेम साहब, मैंने तो तुम्हारा दिया हुआ सारा सबक याद कर लिया। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी डी डी। हाँ हाँ, कर तो लेते हो, मगर फजूल बातों में मेरा काफी वक्त बर्बाद करते हो। वाह मेम साहब, अच्छा इल्जाम है, करे दाढ़ी वाला और पकड़ा जाए मोच वाला। मुझसे ज्यादा बातें तो तुम करती हो। मेम साहब, यह आज तुम्हारे हाथ में कोई नई किताब है क्या? हाँ, एक नई किताब है। तो फिर जल्दी से निकालो, अभी फटाफट पढ़ देता हूं। निकालूं? हाँ निकालो 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 ना। अच्छा फिर निकालती हूं। लिखे पढ़े होते अगर तो हम ये खत पढ़ते, लिखे पढ़े होते अगर तो हम ये खत पढ़ते, इस खत को किताब में रख के पढ़ने के बहाने पढ़ते, एक मोम का दीप जला के बिस्तर के सिरहाने पढ़ते, लिखे पढ़े होते अगर ये खत पढ़ती, शायद ये लिखा होगा कि मैं कितनी हंसी लगती हूँ, सूरज की किरण लगती हूँ या माह जब लगती हूँ, खुशबू में डूबे डूबे खुशबू में डूबे डूबे रंगी अफसाने पढ़ते, लिखे पढ़े होते अगर तो हम ये खत पढ़ते। देने की बात से आगे जहाँ देने की बात भी होगी, दोपहर हुई है दिन से तो शाम से रात भी होगी, दीवाने पन की बातें दीवाने पन की बातें बन कर दीवाने पढ़ते, लिखे पढ़े होते हम ये खत पढ़ते। कुछ हिजर का शिकवा होगा, कुछ वसल की हसरत होगी, आने की भी दावत होगी जाने की भी मोहलत होगी, पेड़ों से घिरी राहों में पेड़ों से घिरी राहों में मिलने के ठिकाने पड़ते, लिखे पढ़े होते अगर तो हम ये खत पढ़ते, इस खत को किताब में रख के पढ़ने के बहाने पढ़ते, एक जला के बिस्तर के सिरहाने पढ़ते, लिखे पढ़े होते अगर तो हम ये खत पढ़ते। सब पता चलाकर आया हूँ छोटे सरकार, जमील मजीद ताल्लुकदार का लड़का है, घर में खाने पीने की कोई कमी नहीं है, वैसे शौकिया खेती बाड़ी कर लेता,
पर है बीए पास सरकार। क्या पागल जैसी बातें कर रहे हो, कहीं बीए पास करके कोई खेतीबाड़ी करता है? ताज्जुब है। सीमा फरमाइए। तुम जमील की असलियत जानती हो? जी हाँ जानती हूँ। तो फिर जानबूझकर तुम सोशल वर्क कर रही हो, देहाती को पढ़ाने का ढोंग रचा रही हो, खानदान की इज्जत नीलाम कर रही हो। जानती हो तुम सोसाइटी की निगाहों से गिर जाओगी। तुम्हारी सोसाइटी के अंधों की लाठी है जिसका तुम जैसे लंदन रिटर्न ही सहारा ले सकते हैं। सीमा शराब, आपको मेरे जाति मामला में दखल देने का कोई हक नहीं है। ये तो वक्त ही बताएगा अपने आपको। अरे जब से तू आई है हर वक्त तेरा पारा चढ़ा रहता है, समझ में नहीं आता है हो क्या गया है तुझे। कभी तो धीरे से बात किया कर, तू चुप कर। आपने मुझसे हमेशा कहा कि मैं चुप रहूं, अपना रवैया नर्म रखूं, मगर वही हुआ जिसका मुझे डर था। क्या कहना चाहते हो? यही कि आपकी भतीजी सीमा गांव के एक मामूली लड़के के साथ घूमती फिरती है और अब तक आप आंखें बंद किए बैठे हैं। कौन है वो? सरकार मजीद तालुकदार का लड़का जमील, बीए पास मगर जाहिल गंवार बना फिरता है जिसे आपकी लाडली भतीजी तालीम देती है। क्या बकते हो? बकता नहीं, जब पानी सर से ऊंचा हो जाएगा तो आपको पछताना पड़ेगा डैडी। ओ तो बात इस हद तक पहुंच चुकी है। अच्छा तू आराम कर, मैं चली। अच्छा सीमा बेटी। जी जैसे जान। मैं तुमसे एक बात करने आया हूं, अगर बुरा ना मानो तो कहो। ये आप क्या कह रही हैं चचेरा? आप मेरे बुजुर्ग हैं, आपकी बातें मेरे सराखों पर। तुम काफी समझदार हो, रास्ता चलो तो ऊंच नीच का ख्याल रखो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम ठोकर खा जाओ। मैं समझी नहीं चचेरा। जरा गौर करोगी तो समझ जाओगी बेटी। तुम्हें मेलजोल ऐसे लोगों से बढ़ाना चाहिए जो तुम्हारे बराबर खड़े हो सके। जमील का और तुम्हारा मिलना जुलना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे दूर से जमीन और आसमान आपस में मिलते हुए दिखाई देते हैं, और जब पास जाओ तो यही मिलाप नजरों का धोखा बन जाता है। ठीक है चाचा जान, मगर फिर भी अच्छे बुरे की पहचान मैं जरूर रखती हूँ। मुझे तुमसे यही उम्मीद है कि तुम कोई गलत कदम नहीं उठाओगी। अच्छा बेटी अब तुम आराम करो। तुझे कैसे मालूम हुआ? मेरे सामने बात हो रही थी बाबा, बड़े सरकार सीमा बाजी को समझा रहे थे। ऐसे लगता है छोटे सरकार ने कोई उल्टी सीधी शिकायत की होगी। यही होना था बेटी, मुझे डर है कहीं सीमा बेटी पर कोई आफत ना आ जाए। आफत? कैसी आफत बाबा? तू नहीं समझेगी बेटी, खुदा ना करे किसी लड़की के सर से उसके माँ बाप का साया उठ जाए। जा बेटी जल्दी से खाना लगा दे। मैं अभी लगाती हूँ बाबा। आए तो तुम इकरार करो कि हकीमी डॉक्टरी से बेहतर है। नहीं मैं हरगिज मानने को तैयार नहीं हूँ। तुम्हारी हकीमी में कोई तासीर नहीं है और तुम्हारी डॉक्टरी में है। मिया अगर ऐसा ही होता तो फिर तुम अपनी दवा पीकर ये मच्छर जैसे बदन पे गोश्त क्यों नहीं चढ़ाते? और तुम माजुन खाकर अपनी गंजी खोपड़ी में बाल क्यों नहीं उगाते? भाई तुम दोनों ही ठीक कहते हो, पहले तुम अपने गंजी खोपड़ी पर बाल और तुम मोटे होने की दवा निकालो, फिर फैसला होगा कि तुम दोनों में कौन बड़ा है। हाँ, ये बात तुमने पते की कही है। तो क्या आप मुझसे सचमुच नाराज हैं? हाँ, तुमने मुझे बेवकूफ क्यों बनाया? आपने भी तो उसका बदला ले लिया, सब कुछ जानकर भी मुझे बेवकूफ बनाती रही मेम साहब। मैं मेम साहब एम साहब नहीं, मेरा नाम सीमा है। अच्छा तो मिस सीमा अब तो मुझे माफ कर दीजिए और मान जाइए। ये लीजिए मैं कान पकड़ता हूँ, अब तो मान जाइए। नहीं नहीं
हाथ में हाथ दो, हमसे वादा करो, कल यही इस हसी आसमां के तले आओगे 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 ना। कल तलक ये झिझक कम तो हो जाएगी, आंच दूरी की कुछ नम तो हो जाएगी, नम तो हो जाएगी, कुछ तो सिम देंगे ये अजनबी फासले, कल यही इस हसी आसमां के तले आओगे 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 ना। जी नहीं। भर ये अदा ये तकल्लुक सही, ये मुलाकात भी एक तारुक सही, एक तारुक सही, आरज़ू कब तलक धड़कनों में पले, कल यही इस हसी आसमां के तले आओगे आओगे आओगे। अच्छा सोचूंगी। जाना किसी की खुशी के लिए एक सदी ना सही, एक घड़ी के लिए एक घड़ी के लिए, सिलसिले ढूंढ लेंगे खुद ही सिलसिले, कल यही इस हसी आसमां के तले आओगे आओगे आओगे। तुमने सारा इंतजाम ठीक कर लिया? जी सरकार, तमाम आदमी वहां पहुंच चुके हैं, सिर्फ आपका इंतजार है। तो फिर आओ चेहरा, जब तक तुम कहो। अच्छा हमको दुआएं दो जो तुम्हें दीवाना बना दिया। जमील भैया, जमील भैया, जमील भैया, तुम यहाँ बैठे हो और वहाँ जमींदार के आदमी तुम्हारे खेत का रास्ता बंद कर रहे हैं। क्या बकते हो? सच कह रहा हूँ भैया। आओ मेरे साथ। अबे खाए खाए ऊंट की तरह मुंह क्या कर रहे हैं? किसकी मजाल है जो मेरे खेतों का रास्ता बंद करे? खबरदार, अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो इस बंदूक की गोली तुम्हारे सीने को पार कर जाएगी। संभाल के रखो इन धमकियों को, मैं इन कीदड़ भक्कियों में आने वाला नहीं। रुक जाओ, मैं कहता हूं रुक जाओ। नहीं तो तुम मुझ पर गोली चलाओगे। इस खिलौने से मुझे डराना चाहते हो? चलाओ गोली। तुम्हारे हाथ क्यों कांपने लगे? तुम्हारी पेशानी पर पसीना क्यों आने लगा? तुम्हारी आंखों से खौफ क्यों झांकने लगा? चलाओ गोली। अब चलाते क्यों नहीं हो? मियां साहब, वो जमाना गया जब तुम जैसे जमींदार धमकियां देकर गरीब किसानों का खून चूसा करते थे, लेकिन अब किसान जाग उठा है। तुम अपने लोगों को लेकर यहां से चले जाओ। मैं कहता हूं चले जाओ यहां से। तुम पहाड़ से टकराने की कोशिश कर रहे हो, जानते हो इसका अंजाम क्या होगा? हाँ हाँ मैं खूब जानता हूं। अब तुम जा सकते हो।
क्या कहा? उस छोकरे की ये हिम्मत जो हमारे खानदान की तौहीन करे और हमसे टकराने की कोशिश करे? नायक जी सरकार, आओ और मजीद तालुकदार को बुला लाओ। हम उसे बता देना चाहते हैं कि जमींदारी खत्म हो जाने के बाद भी हमारी मुट्ठी में इतनी कुव्वत है कि हम उसे मदद रख सकते हैं, और उसे ये भी बता देना चाहते हैं कि हम अब तक वही जमींदार हैं जिसके आगे उसके बाप दादा सब सर झुकाते आए हैं। बाबा ये सरासर जुल्म है, कसूर जमील का नहीं खुद सुल्तान का है जो अपने आदमियों के साथ खेत का रास्ता बंद करने गया था। मैं जानता हूँ बेटी, मगर सरकार को अभी कौन समझाए, गुस्से में पागल हो गए हैं। अब क्या होगा बाबा? अल्लाह चाहे तो सब ठीक हो जाएगा, तुम घबराओ नहीं बेटी। जिस बर्तन में खाते हो उसी में छेद करते हो, नमक हराम। खबरदार जमींदार साहब, मुझ संभाल के बात कीजिए, मैं भी गाली देना जानता हूँ। पहले मेरा कसूर बताइए, फिर मुझ पर आंखें लाल पीली कीजिएगा। तुम्हारे छोकरे ने हमारे गरीबान की तरफ हाथ बढ़ाने की कोशिश की, उसने हमारी पगड़ी उठा ली। ये झूठ है, और सच तो यह है जमींदार साहब कि आपके साहबजादे ने नाजायज तौर पर हमारे खेत का रास्ता रोकना चाहा। मेरे बेटे ने तो सिर्फ उसकी हिफाजत की है। खामोश बदजबान, धमकी ना दीजिए जमींदार साहब। पहले अपने गिरवान में झांक कर देखिए, फिर मुझसे बात कीजिएगा। देखा देखा डैडी, इसकी हिम्मत कितनी बढ़ गई है। मेरा तो जी चाहता है मैं इसे गोली मार। नहीं बेटे, अब उसे मुंह लगाना ठीक नहीं, नहीं तो हमारी रही सही इज्जत भी खाक में मिल जाएगी। बाबा आपको जी भर के सुना देना चाहिए था कि वो फिर कभी हमारे मुंह ना लगे। अबे तू क्या समझता है? मैंने ऐसा ही किया है, मगर बरखुरदार मैं तुम्हें ताकीद किए देता हूँ, कहिंदा तुम जमींदार के बेटे से झगड़ा मत बोल लेना। मैं झगड़ा कब बोल लेता हूँ बाबा, वो तो खुद ही अपनी टांग अड़ाता है। फिर भी तुम्हें बच कर रहना चाहिए। मैं ये जिल्लत हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता, जब तक उससे बदला नहीं लूंगा चैन से नहीं बैठूंगा। ठीक है, मगर मेरे ख्याल में जमील के साथ खुल्लम खुल्ला झगड़ा मोल लेना कोई अकलमंदी नहीं, क्योंकि गांव के सारे लोग उसके साथ हैं। तो तुम्हारा मतलब है कि मैं उससे हार मान जाऊं, उसके सामने सर झुका दूं? नहीं नहीं छोटे सरकार, ये आपका नमक हलाल नौकर आपको ऐसा मशवरा कभी दे सकता है? मैं कहना चाहता था कि आप कोई ऐसी तरकीब सोचिए कि सांप भी मर जाए और लाठे भी ना टूटे। मगर कैसे? सोचते रहिए छोटे सरकार, वक्त कुछ ना कुछ हल जरूर करो। सीमा, मैं इस गीदड़ों से निपटना खूब जानता हूं, मुझे अपने से ज्यादा तुम्हारी फिक्र। अच्छा मैं चली, शाम को नहीं मिलू? मिलूंगी। चलो मैं तुम्हें छोड़ा, तुम तकलीफ ना करो, मैं खुद ही चली जाऊंगी।
चनाहट नहीं है, राहों में कदमों की आहट नहीं है, जुल्फों की खुशबू तेरी आज मन क्यों लाए ना लाए ना लाए ना, बहारों की ये शाम ये समा कर मिलते रहेंगे। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाएं? क्यों नहीं हो सकता, मगर मैं डरता हूं कि तुम्हारे बाप दादा की छोटी शानो शौकत हमारी मोहब्बत के दरमियान दीवार बनकर ना खड़ी हो जाए। क्या तुम उस दीवार को गिरा सकोगी? मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकती हूं जमील। सीमा, अगर जिंदगी की राह में तुम मेरे साथ रहो तो मैं हंसता हुआ हर मुश्किल से गुजर जाऊं। सरकार, मैं अभी अभी देख कर आ रहा हूं, सीमा बिटिया और वो छोकरा जमील दोनों बैठकर मीठी मीठी बातें कर रहे हैं। अच्छा, उसकी ये मजा, आज मैं उसे ऐसा सबक दूंगा कि वो जिंदगी भर याद करेगा। आओ मेरे साथ। फिर कब मिलोगे? जब भी तुम मुझे आवाज दोगे मैं सारे बंधन तोड़कर तुम्हारे पास आ जाऊंगी। आओ चले। चलो। सरकार, अभी अभी तो वो दोनों ही जमील भैया, ओ जमील भैया, जमील भैया, मैं मर गया, मैं बर्बाद हो गया, मैं तबाह हो गया, मैं कहीं का लेना। अरे क्या हो गया है बाके? कोई मुसीबत आन पड़ी है क्या, या कोई कयामत टूट पड़ी है?
क्यों मेरे कान खा रहा है? जब से हसीना के साथ मेरे ब्याह की बात हुई है, वो मेरे सामने दो दो हाथ के घूंघट निकाल लेती है। मेरी बात का जवाब हूँ हाँ। अब तुम ही कुछ करो ना भैया, वरना मैं मर जाऊंगा। अरे तो उल्लू का उल्लू रहा। कभी सुना है हमारे देहात की लड़कियां अपने होने वाले शौहर के सामने निकलती हैं, उसे बात करती हैं, तो फिर रो क्यों रहा है? जा और अपने बाप के पैर पकड़ ले और उससे अपनी शादी की तारीख पक्की करवा ले। तो मैं मर गया। क्यों? बाबा कहता है 2 साल तक शीशी में दवा भरना सीखो, फिर शादी की तारीख तय होगी। तो बेटे फिर 2 साल तक शीशियां भरते रहो। शीशियां शीशी का बच्चा। तुम ठीक कहते हो भैया, दुनिया कितनी आगे बढ़ गई है और हम अब तक मीठी गोलियां पीस रहे हैं। तुमने ठीक ही कहा भैया, अब हमारी पुड़िया की कोई जरूरत नहीं। ऐसी ऐसी दवा निकल गई है, ऐसी ऐसी दवा निकल गई है कि पीने के बाद औरत मर्द और मर्द औरत बन जाती है। हाँ भाई, तुमने हसीना के बारे में क्या सोचा है? सोचना क्या है, सोचना क्या है, लड़की भी तुम्हारी, लड़का भी तुम्हारा। नहीं दबजी जाए, घर ले जाओ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या जरूरत है? मैं जानती हूँ तू किसे पसंद करता है, मगर जानबूझकर पत्थर के आगे रोना, अपनी आंखें गंवाना है। माँ अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ सीमा से करूंगा। मैंने एक ऐसा फूल चुना है माँ, जिससे घर में कुठेगा। वो तो ठीक है, पर बेटा उसका चाचा हरगिज तैयार ना होगा। वो चाहेगा कि उसके बेटे के साथ सीमा की शादी हो जाए, ताकि उसकी सारी जायदाद पर कब्जा कर सके। माँ मुझे सीमा की जायदाद से कोई दिलचस्पी नहीं। मैं खुद उसके चचा से मिलूंगा और उससे सीमा का हाथ मांगूंगा। मुझे बड़ा डर लगता है। फिर सोच ले बेटा। मैंने अच्छी तरह सोच लिया है और फैसला भी कर लिया है। अगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ जमील से, मगर पगली महल में परवरिश पाने वाली क्या झोपड़ी में रह सकेगी? क्यों नहीं, भला प्यार करने वाले कभी झोपड़ी और महल की तमीज करते हैं? मगर तेरे चचा जान क्या जमील से तेरी शादी करने पर राजी होंगे? यही तो सोचती हूँ, किस तरह उनसे अपने दिल का हाल बताऊं। मैंने तुमसे कहा था ना कि जब भी तुम मुझे आवाज दोगे, मैं दुनिया के सारे बंधन तोड़कर तुम्हारे पास चली आऊंगी। मगर और नहीं, कुत्ते कमीने, तेरी ये मजाल के तू मेरे खानदान की इज्जत से खेले, मेरे जीते जी ऐसा हर चीज नहीं हो सकता। आज मैं तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगा। खबरदार, अगर तूने जमीन पर हाथ उठाया। छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़, 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 छोड
जाता हूँ तो कैसे जमील से मिलने जाती? मैं जाऊंगी, जरूर जाऊंगी। तू कौन होता है मुझे रोकने वाला? कौन होता हूँ ये तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा, मगर कान खोल कर सुन ले, अगर तूने फिर जमील से मिलने की कोशिश की तो मैं उसे जान से मार दूंगा। जमील को जान से मारने से पहले तुझे मुझे मारना पड़ेगा। डैडी, क्या बात है सुल्तान? आज मैं आपसे एक सवाल करने आया हूं, जवाब दे सकते हैं तो जवाब दीजिए, और अगर बुढ़ापे और दिल के हाथों मजबूर हैं तो मैं खुद ही इसका हल निकाल लूंगा। क्या कहना चाहते हो? क्या आप चाहते हैं कि आपकी भतीजी किसी आवारा बदचलन के साथ रात के अंधेरे में छुप छुप कर मिले और खानदान की इज्जत का गला घोट कर गंदगी में डूब जाए? सुल्तान, आंखों देखी बात कर रहा हूं डैडी, सीमा का हाथ फौरन मेरे हाथ में दे दे, वरना मैं खुद ही इसका इंतजाम कर लूंगा। मैं कहता हूं तुम्हारे बेटे का दिमाग चल गया है, इसे रोको, नहीं तो किसी ना किसी दिन ये जरूर खून खराबा कराएगा। तुम तो हर वक्त चिल्लाते रहते हो, कभी तो इसे तसल्ली दो। तसल्ली? तुम तसल्ली देती रहो। सुल्तान ठीक ही कहता है, किसी तरह भी हो सीमा की शादी सुल्तान से हो जानी चाहिए, वरना ये शान और शौकत, ये जायदाद सब हाथ से चली जाएंगी, सब हाथ से चली जाएंगी, सब हाथ से चली जाएंगी। मगर सीमा की मर्जी के खिलाफ ये शादी कैसे हो सकती है? कैसे हो सकती है? कैसे हो सकती है? नमक हराम, क्या इसी दिन के लिए मैंने सीमा को तेरे हवाले किया था कि तू अपने गर्ज की खातिर सीमा की खुशियों का गला घोंट दे? जिस तरह सुल्तान तेरा बेटा है, इसी तरह सीमा भी तेरे भाई की बेटी है, 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 तेरे भाई की बेटी है। कब तक हम यूं ही छुप छुप कर मिलते रहेंगे? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाएं? क्यों नहीं हो सकता, मगर मैं डरता हूं कि तुम्हारे बाप दादा की छोटी शान और शौकत हमारी मोहब्बत के दरमियान दीवार बनकर ना खड़ी हो जाए। क्या तुम उस दीवार को गिरा सकोगी? मैं तुम्हारे लिए सब कुछ। क्या वक्त है? मैं सच कहती हूँ बाबा, सीमा बाजी के कमरे में ताला लगा हुआ। ये सरसर जुल्म है, पहले मुझे बड़े सरकार से फैसला करना होगा। बाबा, हम सब समझते हैं, हम सब जानते हैं नायब, हमारे ये बाल धूप में सफेद नहीं हुए। तुम जाकर सुल्तान से कह दो कि वो जज्बात से काम न ले और जज्बाती बनकर कोई गलत कदम न उठाए, वरना मुझसे बुरा कोई न होगा। बहुत अच्छा सरकार, लेकिन 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 क्या सरकार? क्या बात है रमजानी, तुम कुछ परेशान मालूम होते हो? दर का मालिक जब कान और आंखें बंद कर ले तो नमक हलाल नौकर का परेशान होना कोई नामुमकिन बात नहीं सरकार। आंखें बंद कर ले क्या मतलब? अगर कहता हूं तो आपको सदमा पहुंचेगा, और नहीं कहता हूं तो अपने मालिक से नमक हरामी होगी। साफ साफ क्यों नहीं कहते, क्या बात है? छोटे सरकार ने सीमा बिटिया को कमरे में बंद कर रखा है। सुल्तान की ये हिम्मत! तुम शायद ये सोचकर मेरे पास आए हो कि मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊंगी, मगर ये तुम्हारी भूल है। मुझे मालूम है तुम्हें क्या चाहिए, मेरी दौलत, मेरी जायदाद, ले कर ये सब। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मगर तुम मुझे हरगिज़ नहीं पा सकते। बेटी,
मुझे अफसोस है कि सुल्तान ने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की है। रमजान बाबा। बिटिया, बिटिया। सुल्तान के कदम जब एक बार उठ जाते हैं तो फिर वापस नहीं लौटते। नायब, मैं जो कुछ भी कर रहा हूं सोच समझ कर कर रहा हूं। यही तो मैं भी कहता हूं छोटे सरकार, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, टेढ़ी उंगली डालिए घी झट निकल आता है। बड़े सरकार दिल के बहुत नरम है और फिर बूढ़े भी हो चुके हैं, तमाम बातों को बुढ़ापे के तराजू में नाप तौल लेते हैं, फिर कहीं जाकर कोई फैसला करते हैं। मेरा कहा मानिए तो जोर जबरदस्ती सीमा बिटिया का हाथ पकड़ लीजिए। क्या कहना चाहते हो? यही कि सीमा बिटिया का हाथ अपने हाथों में ले लीजिए। मगर अगर मगर कुछ नहीं छोटे सरकार, सब कुछ खुद बहुत ठीक हो जाएगा। डैडी ने तुम्हें इसलिए आजादी नहीं दी कि तुम रात के अंधेरों में जमील से छुप छुप कर मिलो और खानदान की इज्जत को भरे बाजार में नंगा करके अपनी बेहयाई और बेशर्मी का तमाशा दिखाओ। मैं कहता हूं लौट जाओ वरना। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? मैं उन लड़कियों में से नहीं जो रेत की दीवार खड़ी देखकर अपने बढ़ते हुए कदम रोक लेती है। मैं इन दीवारों को गिराना खूब जानती हूँ। हट जा मेरे रास्ते से। अगर तुमने इस घर के दरवाजे से बाहर कदम निकाला तो मैं तुम्हारे प्यार को निशान मिटा दूंगा। तुम्हारे की हकीकत समझ बैठी। तुम ये हरगिज़ नहीं कर सकते। मैं सब कुछ कर सकता हूँ सीमा, अब भी वक्त नहीं गया। मैं तुमसे फिर कहता हूँ कि वापस लौट जाओ वरना मेरे आदमी जमील का खून करने में जरा भी देर नहीं करेंगे। ठीक है, लौट जाती हूँ, मगर याद रखना अगर जमील को कुछ हुआ तो मैं ही तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। सुल्तान ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो बहुत बुरा होगा, वो तुम्हारे खून का प्यासा हो रहा है। मैं यहाँ तुमसे मिलने के लिए आया हूँ सीमा, भागने के लिए नहीं। जिद ना करो जमील, तुमने मेरी कसम, चले जाओ। मैं अकेला नहीं जाऊंगा, तुम्हें भी मेरे साथ चलना पड़ेगा। मैं तुम्हारे साथ जरूर जाऊंगी मगर इस तरह नहीं, सच धज कर, दुल्हन बनकर। अब यहां से चले जाओ जमील, कोई देख ना ले। तुम कहती हो तो चला जाता हूं मगर मैं कल फिर आऊंगा तुमसे मिलने, नहीं तुम्हारे चचा जान से। चचा जान से? घबराओ नहीं, तुम्हारी शिकायत करने के लिए नहीं, तुम्हारा हाथ मांगने के लिए। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बस एक हल्के से दीदार के लिए इतनी जहमत उठानी पड़ी। अगर सदर दरवाजे से आते तो मैं खुद ही तुम्हारा इस्तकबाल करता। इरादा तो मैंने ऐसा ही किया था लेकिन जब तुम जैसा गैरतमंद दुश्मन पीछे से वार करने की खातिर
अंधेरे को अपनी दीवार बना ले तो सदर दरवाजे कैसे खुले रह सकते हैं? और कहीं ज्यादा इंतजार तो नहीं करना पड़ा? तो फिर हम इस इंतजार का फायदा क्यों ना उठाएं? तुम्हारे गरूर का सर क्यों ना नीचा करते? जाओ, मैं तुम्हें माफ करता हूं, मगर आज का सबक जरूर याद रखना। तो तुम ही वो जमील हो जिसने सीमा जैसी भोली भाली लड़की को अपनी झूठी मोहब्बत का यकीन दिलाकर उसकी सारी जायदाद पर कब्जा जमाना चाहते हो। लेकिन हमारे जीती जी ऐसा हरगिज नहीं होगा। आपने कोई नई बात तो नहीं कही जमींदार साहब? हर दौलतमंद गरीब की मोहब्बत का इसी तरह मजाक उड़ाता आया है, उसकी वफा पर शक करता आया है। लेकिन याद रखिए, गरीबी भी आप जैसे लोगों की दी हुई अमानत है, और आज मैं उसी अमानत के बदले सीमा का हाथ आपसे मांगने आया। मगर हाथ फैलाने से पहले ये सोचा होता कि हम भी गैरतमंद हैं और तुम्हारी जबान खींच लेना भी जानते हैं। नाराज हो गए जमींदार साहब, मैंने आपकी इज्जत पर कोई कीचड़ तो नहीं उछाली, सिर्फ इल्तजा की है। तो क्या तुम ये चाहते हो कि हम अपनी गैरत को तुम्हारे कदमों में डाल दें, अपनी तनी हुई गर्दन नीची कर लें और अपने उस खानदान वहां का गला घोंट दें जिसे देखकर तुम जैसे हकीर लोगों की निगाह खौफ एहतराम से चूक जाया करती थी? जमींदार साहब, जिस खानदानी वकार का आप जिक्र कर रहे हैं, दरअसल आपकी बोसीदा हवेली के ताक में टिमटिमाता हुआ वो चिराग है जो किसी भी वक्त आने वाले तूफान के एक झोंके से बुझ जाएगा। दफन कर दीजिए अपने उस पुराने जाह जलाल शान शौकत को जिसे देखकर हम गरीबों की आंखें मजबूरियों के बोझ से झुक जाया करती थी। नोच कर फेंक दीजिए उस नकाब को जिसके पीछे आपका चेहरा बिगड़ कर रह गया है। गिरा दीजिए सोने चांदी की इस दीवार को जिसके साए में बैठकर आप इंसानियत की तमीज भी खो बैठे। यही वक्त चाहता है जमींदार साहब, हमारी राहों में कांटे न बिछाइए। हमने मोहब्बत की है, कोई जुर्म नहीं किया। तुम बहुत जज्बाती मालूम होते हो, मगर हमारी निगाह बहुत दूर तक देखती। हम अपना फैसला सुनाने से पहले हालात और वाकयात का जायजा लेना जरूरी समझते हैं। तुम वक्त का इंतजार करो। सब बंदोबस्त हो गया है सरकार, गरीब की झोपड़ी हाजिर है और काजी मियां भी वहीं पहुंच जाएंगे। इस नेक काम को आज रात ही हो जाना चाहिए। क्या बात है सरकार, आप कुछ सोच रहे हैं? सोच रहा हूं किस तरह सीमा को तुम्हारी झोपड़ी तक ले जाऊं, कहीं डैडी को मालूम हो गया तो। इसकी फिक्र मत कीजिए सरकार, मैंने सारा इंतजाम कर लिया है। इंतजाम कर लिया है? हाँ सरकार, थोड़ी देर के लिए बड़े सरकार अपने कमरे में बंद रहेंगे। कमरे में बंद रहेंगे? शाबाश नायब, तुम तो बड़े काम के आदमी निकले। सब प्यार में बदल जाएंगे। ये कभी नहीं हो सकता, तेरा ये नापाक इरादा पूरा होने से पहले मैं अपनी जान दे दूंगी। तुझे मरने कौन देगा, अब तो हम दोनों साथ ही मरेंगे या जिएंगे। कोई फायदा नहीं होगा, रमजान बाबा दूर कोठरी में बैठे अपने बुढ़ापे का रोना रो रहा होगा और डैडी अपने कमरे में बंद पड़े। अच्छा, तो आखिर वो दिन आ ही गया, छोटे सरकार को पहले मुझसे निपटना पड़ेगा। तू जाकर जमील को खबर दे, मैं देखता हूं। मैं कैसे छोड़ दूं? छोड़ दूं? चल मेरे साथ। चल रमजान बाबा। चल, मैं कैसे हूं छोड़ दे? चल छोड़ दे। चल मेरे साथ छोड़ दे। चल रमजान बाबा, छोड़, मैं कैसे छोड़ दे? ये कभी नहीं हो सकता है छोटे सरकार, आप इस खानदान की इज्जत से हरगिज़ नहीं खेल सकते।
ऐसा करने से पहले आपको मेरी लाश पर से गुजरना पड़ेगा, तो ऐसा ही होगा। सुल्तान, तेरी ये मजाक कि मेरी इज्जत से खेले, मेरा ही खून होकर मेरे ही दामन को दागदार करना चाहता, मैं कहता हूँ छोड़ दे इसका हाथ, छोड़ दे इसका हाथ। ऐसा नहीं हो सकता डैडी, ये मेरी अमानत है। छोड़ दे, आज मुझसे इसका हाथ कोई नहीं छुड़ा सकता, आज मैं हर दीवार को गिरा दूंगा, मेरा रास्ता न रोकिए। तुम अपनी मोहब्बत से मिलने आए हो, मगर आज तुझे अपनी मौत से मिलना होगा। मौत से बुजदिल डरा करते हैं। मैं आज तुझे बताने आया हूं कि हम गरीबों के बाजू कमजोर नहीं, हम चाहे तो बड़े से बड़े तूफान का रुख मोड़ सकते हैं। मैं कहता हूं सीमा का हाथ छोड़ दे। छोड़ दूं? ये कभी नहीं हो सकता, सीमा मेरी जिंदगी है, हट जाओ मेरे रास्ते से। तुझे सीमा का हाथ छोड़ना ही पड़ेगा, मैं कहता हूं छोड़ दे। जमील, जमील। मैं कहता हूं रुक जा, वरना तेरी लाश तड़पती हुई नजर आएगी।